हेलो, मेरा नाम संदीप गौड़ है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। जैसा कि आपको पता है, मोटिवेशन सीरीज चल रही है, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन ऑन स्किन। जो हमारी स्किन होती है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रहा हूँ। अगर हम कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं या किसी से बातें करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है? हमारा फेस। और हमारा जो फेस है वो हमारी स्किन से पूरा ढका हुआ है, तो हमारी स्किन देखी जाती है। स्किन का मतलब ये नहीं होता कि इंसान गोरा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। इससे स्किन का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आपका कलर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आप गोरे हो, काले हो, सांवले हो, या आपका कलर कुछ भी क्यों ना हो, आपके फेस का अगर बर्थ मार्क्स भी है तो उसकी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्किन की क्वालिटी आपकी कितनी अच्छी है सबसे पहले वो नोटिस की जाती है। क्योंकि अगर आपका फेस चमक रहा है, आपका फेस ग्लोइंग है, ना कि गोरा वाला ग्लोइंग, लाइक कि नेचुरल ग्लोइंग। आपका अगर स्किन सांवला भी है पर क्लीन है, वहाँ पे कोई दाग धब्बे नहीं है, आपने अपने आप को प्रॉपरली ग्रूम किया है, आपने अपने आपके अपने आपके स्किन को बहुत ज़्यादा केयर किया है प्रॉपर एवरी डे, रोज लगातार बार बार, तो उससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इन्हांस दिखती है। तो स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो आपका फेस होता है, उसके बाद ही आपकी पूरी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आज कुछ मायने नहीं रखता कि जो स्किन के ऊपर प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे वो सिर्फ लड़की यूज करेगी, लड़का नहीं करेगा। क्योंकि लड़कों की स्किन का लोखन की नहीं हुई है, स्किन जो होती है सबकी सेम ही होती है, सेम ही चमड़ी की ही बनी होती है। तो इसके लिए स्किन के जो प्रोडक्ट होते हैं हर किसी को यूज करने चाहिए, उसमें भी जेंडर का कोई लेना देना ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्किन को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करना है, तो आपको अपने लाइफ में सनस्क्रीन अप्लाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट है एवरी डे। और वो सनस्क्रीन आपके स्किन पे सूट करनी चाहिए, आप वैसे सनस्क्रीन यूज करिए, ना कि आपका फ्रेंड कर रहा है या आपने एडवर्टाइजिंग में देखी या आपने किसी वेबसाइट पे देखी बहुत कॉस्टली हो, 3000 4000 लाइक दैट। नो, कभी कभी क्या होता है 300 400 200 की भी चीज हमको बहुत ही ज्यादा सूट करती है कंपेयर टू 4000 की चीज को। तो अगर आपको अपने स्किन के बारे में नॉलेज नहीं है, तो प्लीज किसी भी आपके नियर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं। उनकी फीस बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, कंपेयर टू एरिया वाइज होती है, लाइक 500 to 700 तक होती है। आप उन वहां पे जाके अपनी स्किन को दिखा सकते हैं, अपनी स्किन के बारे में जान सकते हैं, आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है या सेंसिटिव है, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट आप यूज करें, ना कि आप कुछ भी उठाकर यूज कर लें। क्योंकि पैसा उसमें मैटर नहीं करता, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्योंकि कभी कभी चीप थिंग भी इतना बेनिफिशियल होता है कि हम सोचते हैं कि ये तो बहुत चीप है, ये तो किसी काम का नहीं है, बट सबसे ज्यादा काम का कभी कभी वही आ जाता है। देन आपको स्किन के साथ साथ अपने लिप पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने लिप को मॉइस्चराइजिंग करना चाहिए। उसके ऊपर आप जितना भी हो सके अपनी लिप को, अगर आप चाहें तो स्क्रब कर सकते हैं वीकली, ट्वाइसली, थ्राइसली, या अपने फेस के साथ अपने लिप को भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी डेड पोल्स हैं वो निकल जाएं। तो आपको अपने स्किन के साथ साथ लिप पे भी ध्यान देना चाहिए। देन रेगुलरली अपने स्किन को चेकआउट करते रहना चाहिए कि आपके स्किन पे कहीं पे दाग धब्बे या पिगमेंटेशन या ऐसे कुछ अनहेल्दी चीज तो नहीं आ रही है ना। तो वो रेगुलरली अपने स्किन को, अपने आप को मिरर में 1 मिनट तो एवरी डे देखना ही चाहिए। देन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी जो होता है हमारी बॉडी से सारी डिटॉक्सिफाइड चीजों को, सारी गंदी चीजों को निकाल देता है। तो जितना हो सके उतना पानी पियेंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्लोइंग दिखेगी। देन अपने लाइफ में नाइट क्रीम को तो सबसे सबको इम्पॉर्टेंट सबको ही लगाना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। क्योंकि जब हम सोते हैं तो उस समय हमारी स्किन ड्राई हो सकती है, या तो कभी वेदर की वजह से कुछ भी नॉर्मल कभी फट सकती है। तो इसके लिए नाइट क्रीम जो होता है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारी स्किन को मीन्स उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है। लाइक गोरे होने के लिए इम्प्रूव नहीं करता, हमारे स्किन की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, रिंकल से, पिंपल से, पिगमेंटेशन से, या तो अनहेल्दी जो चीजें हम खाते हैं, ऑयली एंड एवरीथिंग, तो उसकी वजह से भी हमको पिंपल्स एंड अनहेल्दी कुछ भी मार्क्स आ सकते हैं, उस सब से हमको प्रोटेक्ट करता है।
तो नाइट क्रीम हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अबाव 18, तो हर किसी को अपने स्किन का ध्यान देना ही चाहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में ये वीडियो में अगर आपको स्किन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने लाइफ में जितना भी हो सके मिनिमम से मिनिमम चीज़ों को ऐड करिए ताकि आपकी स्किन की क्वालिटी इंक्रीज हो सके। लाइक सनस्क्रीन और नाइट क्रीम तो हर एक व्यक्ति को लगाना ही चाहिए, उसमें जेंडर नहीं देखना चाहिए कि मैं लड़का हूँ तो मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों के लिए भी अब सामान आने लगे हैं बाजार में, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी स्किन को समझने के लिए किसी ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आप अपना एक नॉर्मल चेकअप कराकर अपने स्किन के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, सेंसिटिव है या ऑयली है या नॉर्मल है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोडक्ट चूज करिए, और प्रोडक्ट कभी भी एडवर्टाइज या किसी से रिकमेंडेशन पे मत चूज करिए। जो प्रोडक्ट आपको सूट करे आप वो चूज करिए। आप प्राइसिंग पे कभी भी मत जाइएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।